दार पायण राधार मण हरि गोविंद जय जय हा गोविंद जय जय गोपाल जय हा गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे hari 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 go hari bol hari go hari 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 go hari bol hari go hari 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 go hari bol hari go hari bol hari go hari bol hari bol hari bol hari bol hari bol gaur brahmanande hari hari bol oh my gyanat mera dhasya gyananjana shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु
गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पदुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकांतो श्री राधाकांते नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागित सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत कवितेलि सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदिकेलि सिंधु। तप्त कांचन गौरांगी राधेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम राम राम। बोल हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलव नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कथकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने अपना छात्रों को उपदेश दे रहे थे। क्या उपदेश बोल रहे थे? बोलो बोलो कृष्ण भज कृष्ण सुना कृष्ण नाम अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। कहते बच्चों क्या करो, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो कृष्ण को ही भजन करो, सुनना तो कृष्ण ही नाम ही सुना। अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान, हर समय कृष्ण का चरण को ही ध्यान करो। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर टीका में भागवत में पुराण में कहाँ कहाँ पर बताए कृष्ण चरण को चिंतन करने से कृष्ण नाम को ग्रहण करने से जीव का कैसे सारे दुख समाप्त हो जाता है और जीवों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे तो श्री सुखदेव गोस्वामी और एक श्लोक कहते हैं बोले सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तद्गुण जहीर जय जहिरिह तेने जमम पास भूत सत्त भटान स्वप्न पी पसंति ही चिरम निष्कृतम। इसका मतलब है सुखदेव गोस्वामी कह रहे बोले सक्रीत मन कृष्ण पदार विंदय निवेशितम। कथा अगर ये मन एक बार केवल कृष्ण के चरण में लग जाए है केवल एक बार ही चरण कमल लग जाए कहते उसका क्या फल है, है? कहते तद गुण जही कहते भगवान की गुण कीर्तन में अगर मन लग जाता है
बोले तने जम पास भूतस तत्वठान। इसलिए कभी भी वो व्यक्ति को जब महाराज नहीं दे, दंड नहीं दे सकते हैं, हैं? इसलिए बोले स्वप्न भी न पश्यंती, कहते वो व्यक्ति स्वप्न में भी कभी भी ये जमदूतों को दर्शन नहीं करता। जो स्वप्न में दर्शन नहीं करता है फिर साक्षात रूप में दर्शन करेगा किसे? इसलिए जिस अजामिली की कथा में आता है ना, जिस समय तीन जमदूत आए उनको लेने के लिए, इतने में उसने दूर में अपना बच्चे को देख करके बेटा नारायण, जब उन्होंने केवल एक बार नाम लिया ना, फिर चार विष्णु तो आ गए, क्योंकि उन्होंने चार अक्षर नारायण, और दोनों के अंदर में बड़ी घमासान लड़ाई। जमदूत कह रहे हैं हम ले जाएंगे, और विष्णु दूत कह रहे हैं हम इसको बचाएंगे, हैं? इतने में बोले हम धर्मराजा का दूत, बोले धर्म, धर्म का नाम पर अधर्म करने जा रहे हो, हैं? अधर्म करने जा रहे हो, ये जो अजामिल ये वैष्णव है, ये कौन है? ये वैष्णव है, उसने नारायण का नाम को ग्रहण किया, ये वैष्णव है। अगर कोई बच्चा माँ के जंघे के ऊपर में सर रख करके सो रहा है, अगर मैया ही इसको गला काट दे, कितने गंदी बात है। कहते उसी तरह जिसने भगवान का नाम को ग्रहण किया है, नारायण नाम लिया, कहते नारायण चार अक्षर नाम को छोड़ दो, नारा अगर ये दो अक्षर अगर कोई बोल दिया तो उससे उसका उद्धार हो जाता है। उसने में चार के चार अक्षर बोल दिया, नारायण चार अक्षर उसने बोला, कैसे ले जाओगे? ये वैष्णव है, हैं? इसको ले नहीं जा सकते हो, धर्मराज का नाम बोलकर अधर्म का काम कर रहे हो। इतने में जमदूत ने कहा तुम्हें पता ही कौन है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, सर्वगुण संपन्न, पत्नी कम उम्र की सुंदरी ब्राह्मणी, लेकिन उसने उसको त्याग देकर के वैश्याई शूद्राणी को साथ में रहा, उसको हाथों में अमेध्य कुमेध्य को उसने भोजन किया है, हैं? और उसने दस दस बच्चे हुए, अभी बच्चों को पालन करने के लिए ऐसे कोई गंदा काम नहीं, जो गंदा काम इसने, गंदा काम उसने किया है, आपको बताए इसने क्या किया है, हैं? इसलिए इतने में श्री विष्णु तो कहते हैं ठीक है उसने गंदा काम किया, कुछ पुण्य भी तो किया है। बोले पुण्य क्या किया? बोले नारायण का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो और मरते समय नारायण बोल दो, हो गया है, मरते समय नारायण बोल दिया, हो गया। इतने में विष्णु तो कह रहे हैं बोले मूर्खों तुम्हें क्या पता है भगवान का नाम में कितने शक्ति, तुम्हें क्या पता है, जब उसने बेटा का नाम नारायण रखा था ना तब सारे पाप उद्धार हो गया था, लेकिन उसने जब बारम्बार है नारायण इधर आ जा, नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन ले ले, नारायण गोद में ले ले, आ जा नारायण पानी ले आ, हैं? ये जो बारंबार ही भगवान का नाम लिया है ना, हैं? इसको द्वारा जैसे आप माला जप करते हैं ना, हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो भगवान का नाम जैसे नाम जप करते हैं, अभी उसने हर बात बात में नारायण इधर आ जा नारायण, ये हो गया क्या? माला जप हो गया, ये माला जाप हो गया है, और अंतिम समय में जो उसने नारायण का नाम लिया, ये तो बड़े भाग्य की बात है, ये तो बड़े भाग्य से उसने नारायण का नाम लिया। फिर जमदूत कहते हैं बोले नारायण का नाम कब लिया? वो तो अपना बेटे को बुलाया था, वो थोड़ी भगवान को बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुलाया, नारायण का नाम कब लिया? बोले भगवान का नाम चार ही तरह से कल्याण करता है, बोले संकेतम परिहास्यम बा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष आगहरम पितु, है? इसलिए भगवान का नाम किसी तरह से संकेत को द्वारा, परिहास को द्वारा, कीर्तन को द्वारा, अवहेला है, अगर चार तरह से भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। उदाहरण देते हैं, जैसे भूस का एक ढेर हो, भूस भूस समझते हो, अगाड़ी कुंडा, इसलिए इसलिए कहते भूस का एक ढेर हो,
हाँ? अगर उसमें आग की एक चिंगारी लग जाए ना, वो जल करके राख बना देगा। पेट्रोल हो, अगर वहां पर एक आग की चिंगारी लग जाए, फिर तो सारा दुनिया को ध्वंस कर सकता है। ये साधारण आग की एक चिंगारी में इतनी शक्ति है, और कहां भगवान का नाम है? अभिर्नत्वात नाम नाभिन, हरि से बड़ा हरि का नाम है, तो भगवान का नाम है। इसलिए तुमको क्या पता भगवान का नाम है कितने शक्ति है। लेकिन वहां पर जमदूतों ने बड़े बुरी तरह से, जमदूतों को उन्होंने अपमान किया और उनको मार मार के खदेड़ दिया। और इन्होंने क्या किया, सारे जितना अस्त्र शस्त्र था ना, लेकर के जब महाराज का चरण में फेंक दिया। बोले आज से आपका नौकरी फोकरी हम नहीं करेंगे। बोले बात क्या है? बोले बात क्या, जगत में आपको कोई नहीं मानने वाले हैं, केवल आप ही आपको मान रहे हो। जगत में कोई आपका आदेश आदेश पालन नहीं करता है। हम तो सोच रहे थे आपका सिवाय दुनिया में कोई है ही नहीं, आप ही हर्ता करता विधाता आप ही हो, और हमें को पता चला आपका बात ही कोई नहीं मानते, इसलिए हम इतने अपमान को सहन नहीं कर सकते। पता नहीं एक अजामिल नाम का पापी था, हम उसको लेने के लिए गए, और इतने में पता नहीं ये चार कहां से आ गए। देखने में इतने सुंदर थे, चार हाथ वाले इतने सुंदर थे, पता नहीं कहां से आ गए और हमें मार मार के खदेड़ दिया और अपमान किया। ये अपमान को हम सहन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम प्राण त्याग दे देंगे, ये प्राण को त्याग दे देंगे, लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। अगर उसका आप उपयुक्त दंड प्रदान करो। तो उन्होंने पूछा, ओ मरते समय कुछ बोला था? हाँ एक बार तो उसने नारायण बोला, बस एक बार नारायण नाम सुनते ही ना जब महाराज तुम मूर्छित हो गए हैं। एक बार केवल नारायण नाम सुनते ही, बोले बड़े दिनों में प्रभु का नाम सुना है, और यहाँ पर पता नहीं उल्टा पुलटा काम में हई होल्ला में ये जीवन ऐसे बीत रहा था, बड़े दिनों में हमने भगवान के नाम सुना ठाकुर का। बोले क्या आपका भी कोई ठाकुर है? हम तो सोच रहे थे आप ही दुनिया का मालिक हो हैं। बोले मूर्ख हो तुम्हें क्या बताए हैं, मैं तो केवल हैं, मैं तो केवल ये प्राणियों का जो मरते जगत में हैं, कहते ये जो स्थावर जंगम इनका ही केवल मालिक हूँ, लेकिन मेरे जो प्रभु श्री नारायण है, ये सारे देवता सारे विश्व ब्रह्मांड का वो मालिक है, उन्होंने कृपा करके हमें ये पद को दिया है हैं, मैं तो उनका नौकर हूँ। इसलिए खबरदार जो भजन करते हैं ना उनको बतलाया करो। बोले भैया एक पर्चा बना दो, एक पर्चा बना दो हमें, किसको किसको लाना और किसको किसको नहीं लाना, कम से कम तो पता चल जाएगा इसको इसको लाना, नहीं तो फिर मार खाना नहीं पड़ेगा हैं। फिर उन्होंने बताए, क्या बताए? बोले जिह्वा न भक्ति भगवत नाम गुण धैयम् चेतश्च न स्मरति जत चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति जत सीर एकदापि तान अनधम असद अकृत विष्णु कृत्या। उन्होंने ये पर्चा बना दिया, ले इसको पकड़ लो हैं, किसको किसको लाना और किसको किसको नहीं लाना। इसलिए बोले क्या, बोले क्या पहला पहला कर क्या, अरे पहला जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम धैय। कभी जो लोग अपना जीवा को द्वारा भगवान का नाम को जप नहीं करते हैं, हैं? बोले चेतसी न स्मरति जत चरणारविन्दम्, हृदय के द्वारा जो भगवान का चरण को स्मरण नहीं करते हैं। बोले कृष्णाय नो नमति जत सिर एकदापि, जिसने एक बार भी कृष्ण के चरण में अपना सिर को नहीं झुकाया। बोले तान अनय धम, उन्होंने अधम को हैं, उन्होंने अधम को पकड़ पकड़ करके घिसड़ घिसड़ करके यहाँ पर ले आना। लेकिन जो विष्णु कीर्तन जो वैष्णव लोग हैं, हैं जो तिलक लगाए गले में कंठी ललाटे तिलकम नास्ति कंठी नास्ते त्रिकंठी का हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्मराक्षस। जो लोग तिलक लगाते जिनके गले में तुलसी की कंठी हो हैं, और जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं, अगर उनको देख लो ना प्रणाम कर लेना, समझ लेना कौन है ये मेरे भगवान की ये भक्त हैं, खबरदार उनको मत लाया करो, जाओगे तो डंडा पड़ेगा, जाओगे तो डंडा पड़ेगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु जो बोले, बोलो तो कृष्ण बोलो
भजत कृष्ण भजन कर और सुनत कृष्ण नाम कही सुना, हर समय कृष्ण का चरण को ध्यान करो। इसलिए प्रभुपाद ने ये भागवत से इस श्लोक को उद्धृत करके यहाँ पर बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले, सक्रीत मन कृष्ण पदार विंदयो, जो बोले एक बार भगवान के चरण में अपना मन को निवेशित किया है, हैं, जो एक बार भी भगवान का गुणगान किया है, हैं, जो भगवान की भक्ति किया, बोले स्वप्न स्वप्न अभी वो कभी स्वप्न में भी जमदूतों को दर्शन नहीं करेगा, इतने महिमा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बारंबार कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, हैं, क्या कह रहे हैं, बोले जावत अच्छे प्राण देह अच्छे शक्ति तावत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति। महाप्रभु कह रहे हैं जावत अच्छे प्राण देह अच्छे शक्ति, जब तक ये हैं, जावत अच्छे प्राण, जब तक ये प्राण है और शरीर में शक्ति है ना, क्या करो, बोले तावत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति, तब तक क्या करो, कृष्ण का पाद पद में भक्ति करते रहो, भगवान के चरण में अपना मन को लगाते रहो। क्यों, बोले कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, हाँ कृष्ण रे चरण धरी बलि कृष्ण देह मन। कहते कारण क्या है, बोले कारण है कृष्ण माता है कृष्ण पिता है, इसलिए तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बंधु ससखा तुमैव तमैव विद्यांग द्रविण तमैव तमैव सर्वम मम देव। भगवान ही माता पिता कृष्ण कौन कृष्ण सब कुछ। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वहां पर बताया, बोले जगत रे पिता कृष्ण जेना भजे बाप, जगत रे पिता कृष्ण है, जगत का पिता कौन है, कृष्ण, जेना भजे बाप, उनको जो बाप बोल करके जो भजन नहीं करता है ना, कहते वो कौन है, पितृ द्रोही पातकितार जन्म जन्म ताप। कहते वो व्यक्ति कौन, बोले पितृ द्रोही, क्यों, जगत का पिता भगवान कृष्ण ही जगत का पिता, जब वो जगत का पिता है अगर पिताजी को अगर भजन नहीं करो फिर वो कौन है, कहते पितृ द्रोही है, वो पितृ द्रोही वो पात की है, इसलिए जन्म जन्म ताप, उसको जन्म जन्मांतर उसको दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा है। इसलिए महाप्रभु बारम्बार कहते हैं, क्या कहते हैं, खुल दो, इसलिए महाप्रभु बारंबार कहते हैं ये मन को केवल कृष्ण चरण में दबा। एक सुंदर की स्टोरी सुन लो, मैंने उड़िया में बोला था तो ध्यान देकर सुनो, कल मैं पूछूंगा स्टोरी बहुत, क्यों हमें भक्ति करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हैं। कहते एक समय कोई एक बहुत एक दरिद्र व्यक्ति था जो रोड रोड में भटक रहा था, पढ़ने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, हैं, बड़ा दुख कष्ट है। एक बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन था उसने जब वो व्यक्ति को देखा, बोले भैया क्या बात है, तू ये दर-दर में क्यों भटक रहे हो, हैं, दर-दर में तो ये भटक रहे हैं क्यों, बोले क्या बताऊं, खाने के लिए नहीं, बोले मांगता है क्यों, शर्म नहीं लगता है, काम कर खा नहीं पाते हो, बोले क्या बताऊं, मैं मांगना भी नहीं चाहता, बोले क्यों फिर मांग रहे हो, बोले कोई भी बिजनेस में हाथ लगाता हूँ सब नष्ट हो जाता है, हैं, कोई बिजनेस बिजनेस होता ही नहीं, कोई भी बिजनेस नहीं कर पाता, सबके सब हैं लाल बत्ती जल जाती है। इसलिए तो उसने उस व्यक्ति ने कहा, देख बेटा एक काम करो, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कहते तो बिजनेस का मैं तुम्हें पार्टनर बना देता, बोले सवेरे सवेरे कोई मिला नहीं, मैं ही मिल गया, हैं, कहाँ आप इतने बड़े बिजनेस मैन, कहाँ मैं दर दर भटकने वाले रास्ता में खाने के लिए पहनने के लिए नहीं, आप क्या कह रहे हो बिजनेस का पार्टनर बन जाओ, सवेरे मैं ही मिल गया केवल, है हंसी दिल करने के लिए, बोले मैं झूठ नहीं बता रहा, सही बता रहा हूँ, पार्टनर नहीं मैं पूरा बिजनेस तेरे को दे रहा हूँ, आज के तो ये पूरा बिजनेस तू ले। बोले क्यों, हमें हमारी साथ में हंसी दिल कर रहे हो और कोई मिला नहीं क्या, बोले नहीं मैं झूठ नहीं सच बोलता हूँ, अब भी ये सारे बिजनेस को तू ले ले, लेकिन एक काम करियो, मेरे को 10% देना और तू 90% तू रख लेना। बोले अगर आप ऐसे करोगे ना मैं तो आपका बड़े ऋणी रहूंगा, और 2 गुना रात 4 गुना मिल करके दिन रात काम करके खूब पैसा कमाऊंगा, हैं, तो ठीक है आज से तू बिजनेस ले ले, लेकिन एक काम करियो, 1 महीना जब पूरी हो जाएगा ना 10% मेरे को दे जाएगा।
लेकिन एक महीना पूरी हो गया लेकिन वो व्यक्ति कुछ देने के लिए आया ही नहीं। कथा याद करना, कल मैं पूछूंगा सब। इसलिए बोले आया ही नहीं देने के लिए। उसने कहा भैया क्या बात है, इतना बड़ा बिजनेस उसको दे दिया। मैंने कहा 10% तो मेरे को देना, तभी भी आया नहीं देने के लिए। हो सकता है बिजनेस में ज़्यादा मन लग गया, अच्छी बात, बढ़िया से काम करे, पैसा कमाए। लेकिन 2 महीना हो गया वो तब भी नहीं आया। बोले भैया 2 महीना हो गया क्या बात है, हैं कोई बात नहीं बिजनेस कर। जब 3 महीना हो गया वो तब भी नहीं आया, 4 महीना हो गया तब भी नहीं आया। उसने सोचा उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, मतलब वो मरते नहीं गया, एक बार जाकर देख कर आए तो। उसने जब आया देखना, देखा बढ़िया करके बिजनेस चला रहा है, बड़ा सुंदर मकान दुकान बनाया, गाड़ी वाड़ी ए चकाचक रह रहा है, हैं बढ़िया से रह रहा था। इतने में उसने आकर के बोला मेरे को पहचान रहे, बोले तुम कौन हो, तो कौन हो, बोले ये बिजनेस में तुमको दिया था ना, ये बिजनेस पहले मेरा था ना, मैं तुमको दिया था। बोलो आप वही हो, बोले मैं तुम्हें तो वही हूँ, और मैंने कहा था तुम महीना का लास्ट में मेरे को 10% दे आना, लेकिन 4 महीना हो गया कोई लाभ बता तुम हो। इतने में वो क्या कहता है, बोले कमाऊंगा मैं, धमाऊंगा मैं, काम करूंगा मैं, दिन रात मेहनत करूंगा, तुमको किस चीज की 10% दूंगा, तुमको 10% क्यों दूंगा, सारे काम मैं कर रहा, पैसा कमा रहा हूं मैं, और तुमको बैठ बैठ कर 10% तुमको देना पड़ेगा, तुम कौन हो 10% लेने वाले। कहते हैं अगर ऐसे अगर कोई व्यक्ति हमें बोलता है, वो व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलोगे, जोर से बोलो, कोई बोल नहीं रहे, बोलो बेईमानी बोलेंगे, नमक हराम बोलेंगे, हैं मिथ्यावादी, चोर, झूठ, लवार, जितना हो सकता है गंदी बात उसको प्रति हम प्रयोग करेंगे, हैं उसको हम प्रयोग करेंगे, सारी गंदी बात प्रयोग करेंगे। देखो ये ऐसे ही दर दर कहीं भटक रहे थे, खाने के लिए पहनने के लिए नहीं था, लेकिन भगवान है जो मानव शरीर मिला है। तुलसीदास जी कहते भगवान राम कहते हैं देत ईस बिनु हेतु सनेही, भगवान कैसे कृपा करके हमें ये मानव शरीर दे दिया, ऐसे कोई बहुत बड़ा कर्म कर दिया तो मानव शरीर मिला। बोले देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना कारण के कैसे भगवान हमें ये मानव शरीर दे दिया, जगत में इतने जीव है। कहते रजो भी समसंकता प्रातिवही रिह जंतव, जैसे हम धूल कणा को गिन नहीं सकते हैं, कहते उसी तरह कहते जीव को भी ऐसे हम नहीं गिन सकते हैं, इतने जीव है। एक ग्लास पानी लो, एक ग्लास पानी में इतने बैक्टीरिया हैं, ये पृथ्वी में इतना लोग नहीं, ये जीव में एक ग्लास को अंदर में इतने बैक्टीरिया है। देखो एक चीज समझो, जैसे हमारी अंदर में काम की बैग आता है ना, आता कि नहीं, सभी को अंदर में काम की बैग आता है, क्यों आता है काम की बैग पता है। कहते संसार में इतने जीव है, इतने जीव इसी संसार में, सबके सब ये मानव शरीर पाना चाह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गवा। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से ही मानव शरीर मिलता है, क्योंकि हमारे हृदय में जो काम की बैग है, मतलब एक एक जीव है हमारे अंदर में, एक एक जीव है, वो जीव जो काम की जो उत्तेजना हमारे अंदर में आती है, कारण यही है, वो जीव जन्म लेना चाहते हैं, मानव शरीर बनना चाहते हैं। आप देखना जानवर, देखना जानवर को देखना, उनका कैसे है, साल में एक बार केवल वो रजस्वला होते हैं, साल में एक बार केवल स्त्री पुरुष का संग होता है, एक बार केवल साल में, ऐसे चिड़िया भी ऐसे। लेकिन मानव शरीर में है, मानव शरीर में इतनी उत्तेजना क्यों, कारण क्या, बोले कारण है सबके सब ये मानव शरीर के लिए तरसते हैं, देवता लोग भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं, हमें मानव शरीर हो, मानव शरीर हो। इसलिए वहां पर भगवान कह रहे, बोले माँ, बोले माँ जब पति पत्नी का मिलन होता है, कहते एक जो रेत होता है, एक बिंदु रेत में
करोड़ों करोड़ों जीव रहते हैं, मातृ गर्भ में प्रवेश करने पर वहां पर बड़ा फाइट होता है, अंदर में बड़ा लड़ाई होता है, लड़ते 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 करोड़ों करोड़ जीव एक रेत में अंदर में रहते हैं, ब्रिज में, उसमें लड़ते लड़ते एक जीव किसी तरह से जिंदा रहता है, वही मानव शरीर मिलता है, वही उसको मानव शरीर उसको मिलता है। इसलिए कहते हैं देत ईस बिनु हे तो सनही, भगवान कैसे कृपा करे कि ये मानव शरीर दे दिया हमें, हैं ये मानव शरीर दे दिया। उड़िया में एक ये हमारे एक भजन है ना, क्या मानव लभ मही तल, क्या है बोलो, तुम्हें कोई याद नहीं है, नहीं नहीं यार ये नहीं, ये मानव शरीर जो मही तले, मानव जन्म मही तले ये, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखो हम भगवान हमें कृपा करके मानव शरीर दिया, कहाँ कहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधा जीवन में हम भटक रहे थे, हैं ये मानव शरीर ठाकुर ने दिया, ये संसार दिया किसने, ठाकुर ने दिया, दुनिया किसने दिया, ठाकुर ने दिया, ये बुद्धि किसने दिया, ठाकुर ने दिया, दुकान मकान किसने दिया, ठाकुर ने दिया, ठाकुर ने तो हमें सब कुछ दिया है, लेकिन जब बोलते हैं ना बड़ा भैया भगवान का नाम जप करो उसको 10% दिया करो, जैसे 24 घंटा में 10% लो तो 24 घंटा भगवान पैसा नहीं मांगते, समय मांगते हैं, अगर 24 घंटा में अगर 10% हो वो होता है 2 घंटा 40 मिनट होता है, बोले कम से कम भैया इतना समय तो ठाकुर का भजन के लिए दिया करो, हैं? लेकिन हम क्या कहते हैं उसको, तुम कौन हो जिसने सारे बिजनेस दुकान मकान हमें दे दिया, अगर बोले उसका थोड़ा हरिनाम करो ना, बोला अरे हरिनाम फरिनाम क्यों करेंगे, वो कौन होता है, हैं? उसका नाम हम क्यों ले, हम कहते ना उसका इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, लेकिन हम क्या जरूरत है भजन भजन करने का, क्या जरूरत है उसको भक्ति करने का। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिन्नी तनु दही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मो सम कौन कुटिल खलका, हैं? इसलिए जिसने जिन्नी तनु दही जिसने कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया ताही बिसराई हमने उसको ही भूल करके बैठ गए, कैसे नमक हरामी हैं मो सम कौन कुटिल खलकामी, मेरे जैसे जगत में कौन ऐसे कुटिल खल दुष्ट ऐसे कौन हो सकता है, जो इतना डीग हम हांक रहे हैं ना, डीग हांकते हैं यही है, वो भगवान हृदय में है परमात्मा रूप में, शरीर से निकल जाए किसी घर में एक घंटा भी हमें रुकने नहीं देंगे, सारा दुनिया को बुला कर निकालो यहाँ से निकालो, 13 दिन तक अपवित्र रहे हैं, जो रहते हुए रहे हृदय में चुके वो है, इसलिए हम इतने डीग इतने अभिमान हम कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बोले भैया जाबत अच्छे प्राण देह अच्छे शक्ति, जब तक इसी शरीर में तुम्हारी है ताबत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति, तब तक क्या करो भगवान के चरण में भक्ति करते रहो, है तब तक भगवान, इसलिए जगत रे पिता कृष्ण जेना भजे पाप पितृ दोहि प्रात कितार जन्म जन्मे ताप, इसलिए वो जगत का पिता है, हैं? इसलिए जो अपना बाप बोलकर भजन नहीं करता है, कहते एक जीवन नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं जन्म जन्म ताप, जन्म जन्म इसको ताप, देखो जैसे हमें मानव शरीर मिला, हम तो खा पी रहे हैं जो मस्त में रह रहे हैं, अभी करुणा आ गई कोई बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं कितने भूख लगता होगा, वो किसको मांग पाते हैं, एक सांड घूमता है कहीं उसको खाना नहीं मिलता है वो किसको बोल सकता है, हैं? हम लोग तो कहीं खा पी लेते ही कल, वो किसको बोल सकता है भैया भूखा कुछ दे तो बोल सकता है, वो जैसे कहते जैसे स्वयं जाके था, जैसे अगर किसी ने थोड़ा दे दिया ना खा लिया नहीं तो खाए, हैं? इसलिए ऐसे ऐसे जीवन गया, और जिंदा जिंदा पशु पक्षी को क्या करते हैं पकड़ करके टांग लटका करके ना जिंदा जिंदा उसको चमड़ा उतार लेते हैं, बकरियों को क्या करते हैं मुर्गा को जैसे कपड़े से पानी निचोड़ते हैं ना गला पकड़ करके इसे पूरा निचोड़ देते हैं, मतलब हमारी ऐसे ऐसे जीवन हमारी बीत गया है, ऐसे ऐसे जीवन गया हमारी है, इसलिए भगवान कृपा करके हमें, इसलिए समय को कभी इधर उधर बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बैठ करके भज
चुगली निंदा इधर उधर नहीं करके समय को सत्प्रयोग करो, भगवान का नाम कीर्तन भजन करो, महाप्रभु कह रहे हैं। इसलिए सबका चरण पकड़ करके महाप्रभु कह रहे हैं, भैया चरण धरिया बोली कृष्ण देह मन, तुम लोग का चरण में पकड़ करके बोल रहा हूँ, सबके सब अपना मन को कृष्ण चरण में लगाओ, कृष्ण चरण में लगाओ। बोले क्यों? तो यहाँ प्रभुपाद श्लोक उद्धृत करते हैं, बोले लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहुसंभवान्ति मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यपिधिर तृणम् जतीत न पतीत अनुमृतु जावत निश्रसाय भगवन विषय खलु सर्वत्र स। हाँ, इसका मतलब बोलो तो कौन बोलेगा? हाँ, तब ना बोलो, बोला वो अंग्रेज, इसको ये कर दो पीछे, उसको लगाकर पीछे कर दो, क्या दांत क्या निकाल रहा है? हाँ, उसको पीछे कर दो, उसको लगा दो, को उसको कहीं, हाँ बोलो, उसको लगा दो पीछे कर दो, ए हाँ ये करो, हाँ इसका मीनिंग बताओ क्या है, शीघ्र शीघ्र बोलो। लब्धा सुदुर्लभ इदं बहुसंभवान्ति, हाँ श्लोक रे मनुष्य जन्मर दुर्लभ ताड़ कहते हिंदी में बोले, सब सुन रहे हैं कितना लोग सुनते हैं, 40 लोग पर कल तक 200 लोग देखे। बोलो मनुष्य जो शरीर है वो अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब क्या बोलते कि दुख है न लभ्य, अत्यंत दुख की दुख कष्ट के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो बोले कि इस मनुष्य शरीर कैसा है, बोले कि सुदुर्लभ, फिर बोले लब्धा सुदुर्लभ है बहुत संभव आते कि मनुष्य शरीर अत्यंत जो सुदुर्लभ है वो अभी क्या है ना लब्धा मतलब हमको प्राप्त हुआ है, और बोले कि बहुत संभव आते बहुत जन्म के बाद इसको प्राप्त हुआ है, इसलिए बोलते कि जो मनुष्य जन्म 84 लाख जोने के बाद ही प्राप्त होता है, केवल केवल किस कारण के लिए बोलते हैं कि जल जाने वाला क्षणी। बोलो तो फिर बोलते कि मनुष्य शरीर कैसा है, बोले कि अनित्य अर्थदम और अनित्य भी धीरम, बोले कि अर्थदम है, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, ये मनुष्य शरीर जो है वो परम प्रयोजन मतलब परमार्थ को प्रदान कर सकता है, और फिर भी जो प्राप्त हुआ है वो अगर एक बार प्राप्त हो गया तो उसमें साधन कर मतलब कभी भी कर सकते हो ऐसा नहीं, फिर बोले कि ये अनित्य है मतलब अभी प्राप्त हुआ है किसी क्षण भी ये नाश हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि तूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत, तूर्णम मतलब जितना जल्दी हो सकता है क्या करना चाहिए ना मनुष्य शरीर नष्ट होने से पहले ही क्या करना चाहिए ना परमार्थ को साधन कर लेना चाहिए तथा भक्ति आचरण करना चाहिए, क्योंकि निश्रेषाय विषय खालू सर्वत्र श्याम, क्योंकि ये जो दूसरे दूसरे सारी की सारी विषय ये है ये सर्वत्र मतलब दूसरे दूसरे जन्नी में भी शुकर कुकर इत्यादि जो जन्नी है उसमें अनायास में प्राप्त हो जाता है, तो उस विषय में आविष्ट ना होके भगवत भजन करके मनुष्य शरीर का जो फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, गौर ब्रह्मानंद हरे हरे बोल। इसलिए बोले लब्धा सुदुर्लभिदम, कहते क्यों ये जीवन पा करके हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, कहते ये कृष्ण ये श्लोक को स्वयं कह रहे हैं, ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमको तो लगता है यही सही टपक पड़ गए, लेकिन भगवान को पता है कितने कठिन जन्म कितने जन्मों के बाद में हमें ये मानव शरीर मिला है, इसलिए कहते 84 लाख जन्मों के बाद में ये मानव शरीर मिलता है, इसलिए क्या करो ये जीवन पा करके तृणम, तृणम मतलब क्या है, कहते कल कर सो आज कर और आज कर सो आप, किंतु पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी का, इसलिए कहते जितने जल्दी हो उतना जल्दी है, इसलिए कहते हैं विषय खड़ू सर्वत्र स्यात्, विषय खड़ू सर्वत्र स्यात्, इसका मतलब क्या है, कहते साधारण व्यक्ति किस काम में लगता है, किस चीज में लगता है, कैसे बढ़िया से पढ़ाई करे, कैसे बढ़िया नौकरी करे, बढ़िया से पैसा कमाए, ये संसार घर गृहस्थ बैठा हम यही तो चाहते हैं ना, यही तो चाहते हैं, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं भैया ऐसे कौन सा जीवन नहीं गया जो तुमने ये सब काम नहीं किया, बताओ ऐसे कौन सा जीवन नहीं गया जो कि तुमने ये काम करते करते नहीं आया,
जब पशु पक्षी जीवन में रहे उसी जीवन में भी यही किया और कुछ किया ही नहीं। स्वर तो एक साथ में 10-10, 15-15 बच्चे जन्म देते हैं और एक महीना में बड़ा बना देते हैं। हमने एक बच्चे को है 20-25 साल में बड़ा करते हैं। खाने के लिए कितना पढ़ाई, कितना MA PhD डॉक्टर इंजीनियर किया, फिर 10 घंटा काम करते, फिर पैसा कमाते, फिर जा करके किसी तरह से रोसी बनाकर भोजन करते हैं। ये जानवर कौन सा यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज गई भैया, कहीं गई नहीं, खाना तो अपने आप मिल रहा है, हैं? इसलिए कह रहे विषय खड़ो सर्वत्र स्यार, जिस जीवन में क्यों नहीं जाओ, इसलिए हर जीवन में ये तुम्हारे लिए रिजर्व है। इसलिए हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते थे तुमने कौन सा जीवन में सब काम करते करते नहीं आए बताओ, हर जीवन तुम यही काम तुमने किया और ज्यादा कुछ नहीं किया तुमने, कोई ज्यादा काम नहीं किया। इसलिए वो त्रिविक्रम महाराज कहते थे अगर हमने इस घर गृहस्थी कर दिया तो कहते भैया कौन सा बड़ी भारी तीर तुमने मार दिया, कौन सा बड़ी भारी तीर तुमने मना दिया। इसलिए वो कहते थे एक जीवन उसका बंद रखो, एक जीवन क्या कर उसको बंद रखो, बोले प्रवृत्ति रेसा भूता नाम निवृत्त स्तु मा फला, मतलब क्या है, बोले प्रवृत्ति मार्ग से जो निवृत्ति मार्ग इसमें श्रेष्ठ फल है। इसलिए कहते हाँ हंत हंत विश्व भक्षण भी असाधु, कहते जहर खाने से एक जीवन नष्ट होगा, एक जीवन नष्ट होगा, लेकिन कहते माया में फंसने में अनंत करोड़ों जीवन तुम्हारी, क्योंकि ये मानव शरीर को कर्म जन्म बताया, ये कर्म योनि है, ये एक जीवन में इतने कर्म बन जाती हैं जिसको भोगने के लिए 84 लाख योनि तुमको जाना पड़ेगा, इतने कर्म बन जाती है एक जीवन में है। इसलिए त्रिविक्रम महाराज कहते थे एक जीवन ये चीज को बंद करो, बंद कर क्या करो, भगवान का चरण में मन लगा भजन करो, हैं भजन करो। लेकिन बड़ा विचित्र संसार है, संसार में सभी का डंडा खाना पड़ता है, बीवी बच्चे पति पिता माता सभी का। हम कोशिश करते हैं संसार में क्या करने के लिए, अपना लिए तो बहुत कम करते हैं, दूसरे के लिए ज्यादा करते हैं, अपना लिए कम करते हैं दूसरे के लिए ज्यादा करते हैं। पति को कैसे खुश रखे, पत्नी को कैसे खुश रखे, बच्चों को कैसे खुश रखे, पिता माता को कैसे खुश रखे, इसलिए करते हैं। लेकिन संसार में जाकर पूछ लो अभी तुम्हारी पर कोई खुश है, संसार में सभी के लिए करते हैं दूसरे के लिए, लेकिन पूछ लो किसको कोई खुश हो, भैया खुश है ऊपर में, बीवी खुश है, जगत में किसी को तुम खुश नहीं कर सकते हो, करोगे दूसरों के लिए और काली सुनोगे सभी का, लेकिन उसी को लिए हम तैयारी बैठते हैं। लेकिन अगर गुरु वैष्णव थोड़ी कोई बात बोल देना, अरे हम साधारण घर के आए हैं, हम साधारण घर के नहीं, हम इतने लिखे पढ़े सब सीख करके आए, हम यहाँ गाली सुनने के लिए आए, रखो ये माला झोली रखो हम घर में जा रहे सबका डंडा खाने के लिए। इसलिए यहाँ पर त्रिविक्रम महाराज कहते थे विषय खड़ो सर्वत्र स्यात्, इसलिए एक जीवन क्या करो ये चीज को बंद करके क्या करो भगवान की भजन में एक जीवन, तो अगर एक जीवन अगर किसी तरह से भगवान की भक्ति में देते देंगे ना फिर तुम्हारी संस्कार अच्छा बन जाएगा, संस्कार तुम्हारी अच्छा बन जाएगा। और अगले जीवन में भक्ति कभी घट करके प्रकट नहीं होती है, भक्ति बढ़ करके प्रकट होती है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अबस्तु अमोल का ती मेरे सादा गुरु, बस्तु अमोल का ती मेरे सादा गुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो राम रतन धन पा, चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी में राम रतन धन पायो।
पायो जी मैं विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं तुम्हें हंस रहे हैं हंसी बने वहां सब दांत बंद कर दे। इसलिए मीरा कहती है कहते चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीना दीना बढ़त सवाई। जो भक्ति है वो कभी भी घट करके भक्ति प्रकट नहीं होती, भक्ति हर जीवन में बढ़ करके प्रकट होती है, है? कभी भक्ति घटती नहीं, इसलिए दिन दिन बढ़त स्वभाव है, प्रतिदिन स्वभाव स्वभाव गुण की भक्ति बढ़ती है। इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद कह रहे हैं महाप्रभु का जो विचार को लेकर के क्यों हमें इस जीवन में अपना मन प्राण चित्त को भगवान के चरण में हमें क्यों लगानी चाहिए। कारण है ये जीवन दुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं बोले सुदुर्लभ है, केवल दुर्लभ नहीं अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है ये मानव शरीर। इसलिए इसलिए कहते सूत्र प्रति टिकाए बाखाने कृष्ण मात्र कृष्ण वन एक शिशु मोरली। इसलिए कहते सूत्र प्रति टिका में हर समय वो कृष्ण कृष्ण व्याख्या करते हैं, बोले क्यों करते हैं यहाँ पर कहते हैं कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बाजाए। महाप्रभु कह रहे हैं मैं क्या देखता हूँ है, देखता हूँ वृंदावन में बड़े सुंदर जमुना नदी कलकल धारत बह रही है, एक सुंदर कदम वृक्ष के नीचे एक श्याम सलनसा एक सुंदर बालक मीठी 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 बंसरी बजा रही है। अब बंसरी बजाते ही मेरे को बुलाते इधर आ जा इधर आ जा है, और उनको देख करके मैं पागल हो जाता हूँ और मैं उनको पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ, पकड़ ही लिया देखता हूँ वहां नहीं फिर दूर में खड़े कर फिर मेरे को बुलाता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते सबे देखी ताई भाई। इसलिए इसलिए मैंने हर बात में हर सूत्र विदिका में कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, मैं सर्वत्र वही श्याम सुंदर कृष्ण को ही मैं दर्शन करता हूँ। बोले जत सुनी श्रवणी सकल कृष्ण नाम सकल भुवन देखी गोविंद रे नाम। इसलिए जत सुनी श्रवणी सकल कृष्ण नाम, मेरे कान में कृष्ण सिवाय और कुछ आवाज आती नहीं, आती तो कृष्ण की ही आवाज है। और सकल भुवन देखी गोविंद राम, सर्वत्र हमें केवल कृष्ण 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 कृष्ण, उसको छोड़कर जगत में हमें कुछ और चीज दिखती नहीं। इसलिए भैया आज से मेरे से और पढ़ाई नहीं होगा, मेरे से पढ़ाई नहीं होगा, मैं और पढ़ा नहीं सकता हूँ। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, बोले भैया जहां पर तुम्हारी पढ़ने का इच्छा वहीं पर चले जाओ, वहीं पर पढ़ाई करो, मेरे को तो कृष्ण छोड़कर और कुछ दिखता नहीं। महाप्रभु ने क्या किया, अपना जो पोती है ना एक कुछ काम है ना कौन कौन से पछोड़े कथा को जितने गहरा से सुनेगा उतना, नहीं तो अगर हंसी दिले के सुनोगे इधर इधर घुसेगा और उधर निकाले जाएगा, कुछ भी नहीं टिकेगा उधर सब निकले जाएगी और कोई फल देने वाले नहीं। कृष्ण कथा को जितने सावधान जितने ध्यान से सुनेंगे तो भी नहीं तो काम कुछ नहीं देगा, वो इधर निकल घुसेगा उधर निकल जाएगा। इसलिए इतना दिन रह करके मंदिर में है मन दुर्बुद्धि क्यों आता है, ध्यान से भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, गंभीर से नहीं करते, इसलिए सब गड़बड़ जाते। इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं महाप्रभु ने क्या 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 पोथी में, महाप्रभु ने पोथी में तुम लोग दोनों अलग कर बैठे। इसलिए पोथी में उन्होंने डोरी लेकर के उन्होंने पोथी में डोरी लेकर के पोथी में उन्होंने बांध दिए, बांध करके महाप्रभु है। इसलिए बोले जाओ तुम लोग कहीं भी पढ़ना और जाकर कहीं पढ़ो। तब शिष्य लोगों ने कहते बोले प्रभु जो विद्या आप हम लोगों को पढ़ाया है ये विद्या और हम कहीं हमें ये विद्या कहीं हमें नहीं मिलेगा है, और कहीं ये विद्या हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम भी आपको साथ में चाहते हैं, हैं? क्या चाहते हैं आपको साथ में यही कृष्ण नाम करे। इसलिए जितने उनका छात्र लोग थे उन्होंने भी क्या किया सारे डोरी लेकर के पोथी को बांध दिया, बांध करके बोले चलो आपका साथ में ही आज से हम भगवान का भजन करेंगे भक्ति करेंगे हैं। इसलिए भगवान की कृपा से ही हृदय में ये सारे शास्त्र कृष्ण कृपा से ही हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जिन जिन बच्चों को पढ़ाया
कहते वो बच्चे कोई साधारण है नहीं, कि बच्चे कोई साधारण नहीं है, बच्चे हैं, क्योंकि वहां प्रभु जिनको पढ़ाया वो बच्चे भी साधारण हो सकता है। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, हैल मानव जन्म ना हैल तखन वंचित हैल से सब दर्शन। कहते भगवान हमें अभी क्यों मानव जन्म दिया, महाप्रभु ने हमें तब भी क्यों मानव जन्म नहीं दिया, क्योंकि महाप्रभु का जो विद्या विलास है, जिस समय भगवान स्वयं जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये कोई साधारण बात जो भगवान स्वयं अपना किसी बच्चों को पढ़ाएंगे, कहते वो कोई साधारण है नहीं। इसलिए सबके सब पोथी में डोरी बांध करके हैं, इसलिए डोरी बांध करके बोलो चलो आपको साथ में हम सबके सब भगवान का कीर्तन करेंगे, हरि नाम करेंगे, और सबके सब श्री चैतन्य महाप्रभु को साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.